वाइजेंट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं प्रणव मेहता, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, या फिर द्विचर सुरेख समीकरण युग्म, ये गुजराती में ऐसे बोलते हैं। तो द्विचर, यहाँ पे पहले चैप्टर के नाम का में हम देख लेते हैं चैप्टर का नाम क्या कहना चाहता है। तो जो ये चैप्टर का नाम है द्विचल सुरेख समीकरण युग्म या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो नॉर्मली क्या होता है उस चैप्टर के नाम में ही पूरा चैप्टर छिपा हुआ है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले आप शब्द देखना है समीकरण, समीकरण मतलब इक्वेशन। समीकरण इक्वेशन क्या होता है? तो कोई भी चीज समीकरण कब बनती है? हमने इसके पहले चैप्टर देखा पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल में क्या होता है, समझ लो कि एक पॉलीनोमियल है 7x² + 8x + 3, तो ये एक पॉलीनोमियल है। लेकिन इस पॉलीनोमियल की वैल्यू जब जीरो होती है तब हम यहाँ पे बोलते हैं ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन ही क्यों ऐसा होता है, पॉलीनोमियल इक्वेशन क्यों बनता है? तो इक्वेशन का मेन, इक्वेशन मतलब समीकरण का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इक्वेशन में आप देख रहे हो इक्वल, इक्वल का वर्ड जो है EQU वो जो है, तो उसको, उसका जो मीनिंग है इक्वल, तो इक्वल टू की साइन हम करते हैं इस टाइप की। अभी ये इक्वल टू जहां पे भी आपको दिख जाए वहां पे इक्वेशन है। तो इक्वल टू के इस साइड, इक्वल टू साइन हमें क्या बताता है कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड और इक्वल टू के राइट साइड दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे मैं 4 नहीं रख सकता, अगर 4 रखा भी है तो मुझे प्लस करके 1 करना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन बनेगा। लेकिन ये न, ये क्या हो गया भाई, 5 = 4+1, ये भी इक्वेशन तो है ही, लेकिन यहाँ पे सभी जो नंबर से वो हमें पता है, हम जानते हैं हमारे लिए वो नॉन है, इसकी वैल्यू मतलब वो 4 मतलब 4 ही है, ये 1 मतलब 1 ही, और ये 5 मतलब 5 ही है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो मतलब कि वो अचर है, अचल है, मतलब कि वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है मतलब नॉट वेरिएबल, वो चेंज नहीं होता है, वो चलित नहीं होता है, वो अचल होता है, ठीक है। तो लेकिन जब यहाँ पे कोई हम चल की बात कर ले, कोई ऐसी चीज की बात कर ले जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसको मतलब उसको हम वेरिएबल बोलेंगे, है ना, वेरिएबल की बात करेंगे, चल की बात करेंगे, तो यहाँ पे समझ लो कि कोई एक ऐसी चीज है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x की वैल्यू और ये 5+3, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है और यहाँ पे x है, तो ये भी एक इक्वेशन हो गया, दोनों साइड इक्वल वैल्यू है, तो 5+3 = x, मतलब x की वैल्यू 8 है हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे एक ही हमारे पास चल है, तो ये एक चल है और एक चल है उसका पावर भी तो एक ही है। तो जब एक पावर है, एक चल है, तो एक वेरिएबल है, तो उसको और उसका जो भी मतलब इक्वेशन बनेगा उस समीकरण को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन बोलेंगे, और एक चल वाला इक्वेशन बोलेंगे, और एक चल वाला जो इक्वेशन है और वो भी हम सुरेख क्यों बोलेंगे, उसकी बात कर रही हमने पॉलीनोमियल में की थी, जहां पे चल की पावर 1 हो, जहां पे आपकी पॉलीनोमियल का पावर 1 हो, उसकी डिग्री 1 हो, उसकी घात 1 हो, उसका यहाँ पे मतलब मैक्सिमम पावर जो है, घात जो है वो 1 हो, तो उसे हम सुरेख बोलेंगे, क्योंकि उसका जो चार्ट बनेगा वो कोई ना कोई लाइन बनेगा, रेखा बनेगा, सुरेखा बनेगा, तो उसको सुरेख या फिर लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन की बात हो रही है, तो एक चल है और एक इक्वेशन है, तो एक चल की बात करें, समझ लो कि यहाँ पे मेरे पास है x + 5 = 0, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ 5 को उधर ले जाके -5, तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और एक ही इक्वेशन पर से हमें x की वैल्यू, एक चल की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाती है। समझ लो यहाँ पे दूसरा एक वेरिएबल ले लेता हूँ y -7 = 3,
तो y की वैल्यू हमें मिल सकती है, ये भी इक्वेशन है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई ना कोई वैल्यू है, बीच में इक्वल है, तो ये लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू सेम हो जाती है। सात को उधर लेके जाऊं तो थ्री, सात को उधर लेके जाएं तो प्लस हो जाएगा और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी सात प्लस सेवन प्लस थ्री टेन। तो जब एक ही वैल्यू, एक ही वेरिएबल होता है तो हमें एक ही इक्वेशन से, एक ही ऐसी इक्वेशन से वो वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेकिन जब हमारे पास एक इक्वेशन है लेकिन उसमें वेरिएबल दो है, सिस्टम मतलब जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है तो टू वेरिएबल से, तो यहाँ पे लिखा इन टू वेरिएबल्स, मतलब चल जो है हमारे पास दो है इसलिए द्विचल लिखा है, और ये द्विचल वाला और दोनों की पावर वन है, डिग्री वन है, इसलिए वो सुरेख मतलब यहाँ पे लीनियर बनेगा, बराबर है। तो सुरेख समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा, तो टू वेरिएबल तो है लेकिन तकलीफ ये होती है कि जब टू वेरिएबल होते हैं तो हमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिल पाएगी एक ही इक्वेशन से। जब वेरिएबल टू है तो हमें इक्वेशन भी दो चाहिए, जब दो इक्वेशन होंगे वही चीज को समझाने के लिए, तो समझ लो कि यहाँ पे ऐसे दो वेरिएबल से, तो भाई जो ये जब ये दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, तो उसके लिए दो इक्वेशन जरूरी है उसकी वैल्यू को, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। और जब दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन मिलेंगे तो वो दोनों इक्वेशन एक ऐसे लीनियर ही होंगे क्योंकि उसकी पावर दोनों की एक्स और वाई की वन है। तो उसका अगर हम लाइन बना के, उसका चार्ट बना के, उसका इंटरसेक्ट पॉइंट जो मिलेगा, वो इंटरसेक्ट पॉइंट्स का हम अगर चार्ट में देखें तो उसका एक्स और वाई पॉइंट जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। एक्स पॉइंट है समझ लो दो और वाई पॉइंट है एट, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार में जब एक ही वेरिएबल होता है तो एक ही वेरिएबल फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन काफी है, लेकिन जब दो वेरिएबल है तो हमें इक्वेशन की भी एक पेयर चाहिए, मतलब दो इक्वेशन चाहिए, मतलब पेयर को हम गुजराती में बोलेंगे युग्मा, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे पेयर, मतलब यहाँ पे दो इक्वेशन जरूरी है और दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई का पावर वन होना चाहिए। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इन टू वेरिएबल से, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा है, जैसे कि मैंने अभी बोला 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 या 7, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं कि भाई हमें इक्वल टू क्या, उस टाइम हमें 0 रखना है, तो सात को इधर ले जाए तो 5x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसके ऊपर से हम बता सकते हैं कि x जो है एक x वाला होना चाहिए, दूसरा हमारा y वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल y होना चाहिए, या फिर कोई और पी की वो भी हो सकता है, और एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट है कुछ भी चल हो सकता है, वेरिएबल मतलब चल मतलब अचल मतलब कांस्टेंट हो सकता है, इसका कांस्टेंट हो सकता है b, और इसका कांस्टेंट मतलब ये खुद ही कांस्टेंट है तो वो c हो सकता है, ये प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन उसके उससे जीरो होना चाहिए। ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, प्रमाणित रूप, हिंदी में प्रमाणित, गुजराती में प्रमाणित, हिंदी गुजराती में प्रमाणित रूप भी बोलते हैं। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेकिन ये तो एक ही इक्वेशन हुआ, हमें तो पेयर चाहिए, तो दूसरा हम ले लेते हैं एक्स प्लस बी वाई इक्वल प्लस सी इक्वल टू 0, अरे ये तो सेम हो गया, तो हम इसको नंबर दे देते हैं ए वन ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर हो गई इक्वेशन की, जब दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई दो वेरिएबल है और उसकी पावर दोनों की वन है, तो वो लीनियर इक्वेशंस बनेंगे और लीनियर इक्वेशंस की दो पेयर बनेगी और उसमें कोएफिशिएंट होगा ए वन बी वन और तीसरा होगा कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन उसकी एक कंडीशन ये है कि ए वन को अगर हम जीरो ले लेते हैं तो ये टर्म निकल जाता है, हमारे पास यही बचता है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल कम हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन इसको इक्वेशन तो बोलेंगे और उसको लिनियर इक्वेशन तो बोलेंगे ही, भले हमारे पास वो टू वेरिएबल्स नहीं है लेकिन वेरिएबल तो है। अच्छा, इसको अगर जीरो ले लिया जाए तो समझ लो कि ये भी वेरिएबल है लेकिन वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए ये वेरिएबल
नहीं है तो भी हमारे पास ये तो रहेगा, लेकिन जब दोनों ही a1 और b2 b1 दोनों का वैल्यू जीरो हो जाता है तो हमारे पास कोई वेरिएबल बचता नहीं है, केवल कांस्टेंट नंबर बचता है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाएगा और ये उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार नहीं है। तो हमारे पास हमारी कंडीशन ये है कि a1 एंड b1 बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो इन सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे जीरो नहीं हो सकते, या तो a1 जीरो होगा तो चलेगा अकेला, या b1 जीरो होगा तो चलेगा, लेकिन दोनों सेम टाइम पे जीरो नहीं हो सकते हैं।